देखो यहाँ पे हमें जड़ी बूटी मिल चुकी है। पहले ना गाड़े का चुमा है कौन सी वाली है? ये वाली है ऊपर ना रे मां कसम रे तू ये कड़वे अति सही है। देखो यहाँ ये दीपेंद्र भाई को मिली है केदार बाबा काफी मेहनत करने के बाद। नहीं नहीं कहता जो भगवान ने कसम का फंदा नहीं है पर देखो यहाँ पे यहाँ भाई को कीड़ा जड़ी मिल गई है। वो दिखा रहे कीड़ा जड़ी दिखा जो कि 80-90 हजार रुपए किलो है इसको मिल गई है। खुश हो गया भाई देखो दिखा 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 ओ भाई ये है। देखो पूरा मौसम खराब हो चुका है, बारिश फिर से दोबारा चालू हो गई। देखो ये ताल है जो आपदा के बाद बना ऑटोमेटिक प्रकृति द्वारा बना हुआ ताल है ये। दोस्तों अभी तो बारिश के कारण हम यहाँ पे फंस चुके हैं क्योंकि हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे ये देखो पूरा कोहरा आ चुका है आसपास। अभी तो मैं छाता के नीचे एकदम बैठ चुका हूँ एक पत्थर में। ये भाई लोग लगे हैं जो ये लब ताल है इसमें पत्थर डाल रहे हैं। मजा कर रहे हैं भाई लोग। काफी गहरा है ये ताल। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे आज के एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ सुबह के 10:30 बजे से। अभी मैं जा रहा हूँ केदारनाथ से ठीक पीछे जहाँ पे एक बड़ा सा झरना है वहाँ पे। आज हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं जो कि 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था। आज हमने सोचा चलते हैं सुबह सुबह निकले हैं हम आज। बिस्किट लेके आए अपने साथ खाने के लिए क्योंकि आज एकदम मौसम ही पूरा ख़राब हो चुका है। तो वो फिलहाल तो मेरे साथ एक दो भाई लोग और हैं मोनी और दीपेंद्र ये रहे जो आगे जा रहे हैं मेरे साथ। अभी तो आज हमें छाता लेके आना पड़ा क्योंकि हमें पता था सुबह से ही आज मौसम पूरा ख़राब था बारिश आने वाली थी। तो आज सबके पास छाता ले रखे हैं देखो। देखो आज एकदम नई लोकेशन पर जाएंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे नई लोकेशन जो कि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है। देखो यहाँ से मंदिर कितनी दूर पड़ता है वो नीचे है केदारपुरी और हम आ चुके हैं करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे। ये है मेरे साथ एक दीपेंद्र भाई और एक केडी ब्रो। तो चलते हैं सीधे आगे। रास्ता देखो यहाँ का एकदम पूरे पत्थर है रास्ते में ज़बरदस्त। आता इसी साइड से भी आई थी जो 2013 को आई थी। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं फिलहाल जहाँ पे हमारी आज की मंजिल थी सरस्वती नदी जहाँ से उद्गम स्थल है उसके ठीक सामने पे। देखो मेरे साथ वाले भाई लोग बैठ रुके हैं यहाँ पे बिस्किट खाएंगे यहाँ पे हम। इसके बाद जाएंगे सीधे आगे। देखो ये ठीक पीछे है सरस्वती नदी ये ऊपर से आती है। अभी तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है फिर से। थोड़ी देर पहले तो थोड़ा बंद हो गई थी बारिश अभी तो पूरी चालू हो गई फिर से। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे 11,000 फीट की ऊंचाई पर बाबा केदार का धाम है और उससे हम लगभग आ रखे हैं 500 मीटर और ऊपर आ रखे हैं। लगभग मान के चलो 2-3 किलोमीटर ऊपर हमें और ट्रैकिंग करनी है। आप देख सकते हो जल्दी से जल्दी हमारे उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे भाई के फॉलोअर को बढ़ाइए। थैंक यू भाई। ये है। तो ये है दोस्तों सरस्वती नदी जिसका उद्गम स्थल यहीं से है। ये देखो कितना खूबसूरत सा झरना है सामने पे। यहाँ पे ग्लेशियर भी रुका हुआ है जो कि काफी बड़ा है। अब हम इस वाले रास्ते से जाएंगे सीधे आगे भैरव बाबा मंदिर होके सीधे नीचे केदारपुरी में। तो दोस्तों 3 किलोमीटर चढ़ाई पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं जहां पे ये गांधी सरोवर था जहां पे आपदा आई थी जहां पे वो गांधी सरोवर फूटा था 2013 में वहीं पे। यहां पे एक और नया ताल बन चुका है। गांधी सरोवर तो यहां से काफ़ी ऊपर था जो हम इससे पहले वाले ब्लॉग में थे गांधी सरोवर वाली वीडियो। तो ये यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर एक और नया ताल बना हुआ है।
नया सरोवर है ये, देखो एकदम लव टाइप में बन चुका है। तो यहाँ पे तो अभी पूरा मौसम खराब हो चुका है, थोड़ी देर बाद रुकेंगे हम यहाँ पे, इसके बाद जाएंगे हम सीधे नीचे भैरव बाबा के मंदिर के रास्ते से केदारनाथ। देखो पूरा मौसम खराब हो चुका है, बारिश फिर से दोबारा चालू हो गई। देखो ये ताल है जो आपदा के बाद बना, ऑटोमेटिक प्रकृति द्वारा बना हुआ ताल है ये, देखो एकदम लाइफ टाइम में बना है ये। देखो जो यहाँ के पत्थर एकदम सब ऊबड़ खाबड़ हो चुके हैं, यहाँ पे पूरी जमीन धसने वाली है, ये काफी जबरदस्त सीन हो रखा है यहाँ का आज। यहाँ हम ही को डर लग रहा है, पहली बार पूरा डर लग रहा है भाई यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ डर लग रहा है, यहाँ की जमीन की हालत कुछ ऐसी हो रही है। देखो यहाँ पे मिट्टी है ही नहीं, पूरे पत्थर है, मिट्टी पूरी धस चुकी है जमीन के नीचे, पूरे खंडर हुए, पूरा खंडर है ये। देखो ये नीचे साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, फुल गहरी झील है ये, लव ताल के नाम से देंगे इसे। कौन सा है भाई इसका नाम? इसका नाम होगा लव ताल, क्योंकि ये लव की शेप में प्रॉपर बना हुआ है। हाँ ये देख लो एकदम लव बना हुआ है। तो ये भाई चला गया दीपेंद्र वहां पे, नहीं यानी अपना रोड़ी बावती भी नहीं है, आराम से डाल अब नीचे। गहरा है भाई, दोस्तों अभी तो बारिश के कारण हम यहाँ पे फंस चुके हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे ये देखो पूरा कोहरा आ चुका है आसपास। अभी तो मैं छाता के नीचे एकदम बैठ चुका हूँ एक पत्थर में, ये भाई लोग लगे हैं जो ये लब ताल है इसमें पत्थर डाल रहे हैं, मजा कर रहे हैं भाई लोग। बहुत गहरा भी है, काफी गहरा है ये ताल, ये पूरी जमीन के अंदर पूरा पानी पानी है, जमीन के अंदर जो ये ताल है इसका पानी सीधे नीचे से जाता है, ये फ्रंट से होके आता है सामने। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1 बजने वाले हैं, और अभी हम यहीं फंसे हैं। अभी यहाँ पूरी बारिश शुरू हो गई थी उस टाइम से लगी है बारिश, तो यहाँ से तो थोड़ा थोड़ा केदारपुरी भी दिख रही है हल्की पीछे बादलों के ठीक नीचे। तो अभी हम जो नदी है यहाँ की उसी के ठीक ऊपर है, नदी हमारे ठीक नीचे है, इन पत्थरों के नीचे है नदी। आवाज साफ सुनाई दे रही है, ये आवाज आ रही है हल्की हल्की, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है नदी, यहाँ नीचे से दिखाई देगी। ये देखो आगे अब तो हेली भी चलना शुरू हो गया है ऐसे बादल में कोहरे के बीच। सब मलवा ही रुका आपदा के बाद, ये देखो ये पूरा मलवा है ऊपर तक, मलवे का पूरा पहाड़ है ये बना हुआ। तो इसके बाद चलते हैं हम नीचे केदारपुरी की ओर। देखो यहाँ पे हमें जड़ी बूटी मिल चुकी है, पहले ना गाड़े का चुमाए दो, कौन सी वाली है? ये वाली है, उपहार नारी माँ कसम री, तू ये कड़वे अतीस है ये, जो कि यहाँ ये दीपेंद्र भाई को मिली है केदार बाबा का, काफी मेहनत करने के बाद। नहीं नहीं कहता जो भगवान कसम री का फंदा नहीं है कड़वे, चुप रहो मेरे भाई, कड़वी कड़वी होती है ना, खा मारी तो भाई, यो के 80% चीज कड़ी बनी ना, मारे चुप मेरे भाई कड़वे, हां यहां भगवान कसम री कड़ी तो ये कड़ी बनी ना, फुल कड़ी होनी भाई, बोली मार्केट में इसकी भाव एकदम काफी ज्यादा है, 80-90 हजार रुपए किलो है ये। पर अभी जो ये जड़ी बूटी है ये अभी पकी नहीं है पूरी तरह, देखो यहाँ पे यार भाई को कीड़ा जड़ी मिल गई है वो दिखा रहे, कीड़ा जड़ी दिखा जो कि 80-90 हजार रुपए किलो है, इसको मिल गई है, खुश हो गया भाई, देखो दिखा 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 दिखा, ओ भाई ये है, जो ये जड़ी बूटी है ये खाने में एकदम कड़वी होती है, तो अभी मैंने इसका टेस्ट लिया था जो कि एकदम कड़वी है,
तो मुझे तो दवाइयों के बारे में पता नहीं है, जड़ी बूटी के बारे में पता नहीं है मुझे। जो ये दो भाई लोग हैं मेरे साथ, इन्हें पूरा पता है। एकदम कड़वी हो रही है ये। ऐसा कुछ है इसका पौधा। तो हम आ चुके हैं केदारपुरी से थोड़ा ऊपर। ये देखो यही नीचे है केदारनाथ धाम मंदिर के ठीक ऊपर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज, इसको पार करके जाएंगे हम। भाई खतरनाक रास्ता है यार ये तो। ओ भाई इसमें तो एक पैर ऐसे और एक पैर ऐसे करके जाना पड़ रहा है, जो कि इसमें सीढ़ियां भी नहीं है। वो टूटेगा तो नहीं यार ये? भाई लाए तो सब। फिलहाल हमने ये पुल पार कर दिया है, अब हम चलते हैं सीधे नीचे जहाँ पे टेंट है वहाँ, क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 2 बजने वाले हैं। इसके बाद खाएंगे हम खाना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सपोर्ट करते रहना दोस्तों ऐसे ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।